महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद शरद पवार गुट और अजीत पवार खेमे के नेताओं को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अजीत पवार की एनसीपी ने एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग में धर्मराव बाबा आतराम शामिल नहीं हुए थे। आतराम ने खुद कहा कि वे अजीत पवार के साथ रहेंगे और शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अजीत पवार का नेतृत्व स्वीकार कर इस गुट में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद शरद पवार गुट और अजीत पवार खेमे के नेताओं को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अजीत पवार की एनसीपी ने एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग में धर्मराव बाबा आतराम शामिल नहीं हुए थे। आतराम ने खुद कहा कि वे अजीत पवार के साथ रहेंगे और शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अजीत पवार का नेतृत्व स्वीकार कर इस गुट में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद शरद पवार गुट और अजीत पवार खेमे के नेताओं को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद अजीत पवार की एनसीपी ने एक बैठक बुलाई। इस मीटिंग में धर्मराव बाबा आतराम शामिल नहीं हुए थे। आतराम ने खुद कहा कि वे अजीत पवार के साथ रहेंगे और शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल अजीत पवार का नेतृत्व स्वीकार कर इस गुट में शामिल होंगे।